चैप्टर फोर एग्जाम्पल नंबर 4.6 रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ए वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो सबसे पहले अगर हम इसमें डिसाइड करें कि डायरेक्शंस को कौन सी डायरेक्शन को किधर माना जाए, तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये अपवर्ड हो गया, ये हमारे पास डाउनवर्ड हो गया और ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, तो उसको डायग्राम से देखें तो डायग्राम क्या आएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास साइकिल की स्पीड होगी, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद हमारे पास ये रेन की स्पीड होगी, दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड, और ये इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी में हम यहाँ पे यूज करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वी आर बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, वी आर वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी आर वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी बी वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्ट कौन है, वी आर बी वेक्टर है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिखाया गया है, नीचे की तरफ कौन है, वी आर वेक्टर यहाँ तक है, और इसके बाद इस डायरेक्शन में कौन है, तो दैट इज माइनस वी बी वेक्टर। अब हमें अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, तो रेन उसको किस डायरेक्शन से नजर आती हुई आएगी, जिस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे ये ब्लू लाइन वी आर बी दिख रही है, तो उसको इसके अगेंस्ट जो है वो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमने एज्यूम किया हुआ है थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर का हमारे पास मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, और हमारे पास बेस कितना हो गया 35, तो टेन थीटा अगर हम लिखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वी बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वी आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैन की स्पीड डिवाइडेड बाई रेन की स्पीड, दैट इज 12/35, और इसको हमने एक बार पहले भी क्वेश्चन में किया है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.343। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.343, और ये वैल्यू हमारे पास लगभग डिग्री के अंदर कितनी थी, दैट वाज 19 डिग्री।